कंपटीशन तो हर जगह पे हो गया है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो मेरा मानना है कि रटने से कुछ नहीं होता, अगर हम स्मार्ट तरीक़ों से पढ़े तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सारे स्टेट के सीएम के बारे में जो अगस्त 2018 में है। मैं ट्रिक के साथ सारे के सारे सीएम का नाम याद करवाने की कोशिश करूँगा और मेरा मानना है कि अंत तक आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो टर्म आंध्र है उससे हमको अंधेरा का याद आ रहा है, और जब अंधेरा होता है तब चंद्रमा का याद करते हैं। तो आंध्र प्रदेश से आ गया चंद्रमा और चंद्रमा से एन चंद्रबाबू नायडू। तो आंध्र प्रदेश का सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट हम अरुणाचल प्रदेश को बाद में करेंगे, उससे पहले हम असम को करेंगे। असम का जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल। असम को अगर हम अच्छी तरह से देखें तो असम में हमको असम असम करके एक टर्म नज़र आ रहा है। असम बोले तो जो चीज समान नहीं होता है। तो आप हमें बताइए कि सोने का दाम कभी समान रहता है क्या? तो असम से हमको सोना याद आ रहा है और सोना से सोनेवाल। तो असम का सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट बिहार। बिहार का जो सीएम है वो है नीतीश कुमार। बिहार में एक टर्म है हार। अगर कोई आदमी हार से बचना चाहता है तो उसे दो चीज़ करना पड़ेगा। एक तो अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी और दूसरा ईश्वर को प्रार्थना करना पड़ेगा। तो हार से बचने के लिए अच्छी रणनीति और ईश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा। तो रणनीति का नीति और ईश्वर का इस लेकर हो गया नीत इस। इसी तरह से बिहार का हो गया नीतीश कुमार। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सीएम है रमन सिंह। ध्यान से सुनना मेरे बात, अगर आप लोग जो चाहे वो घर बैठे बैठे कर सकते हो तो आप लोग क्या कोई बाहर जाना चाहेंगे? नहीं ना। इसी तरह जिस राज्य में छत्तीसगढ़ है वहाँ पे सब आदमी का मन तो लगेगा ही ना, तो वो भी रमणीय स्थान भी होगा। तो छत्तीसगढ़ हो गया रमन सिंह। तो छत्तीसगढ़ का सीएम है रमन सिंह। नेक्स्ट दिल्ली। दिल्ली का सीएम है अरविंद केजरीवाल। इसे तो कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है कि वो तो हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं, कब कहाँ पर क्या बोल दे उसको खुद ही नहीं पता होता, इसीलिए वो हमेशा ही न्यूज़ पर रहते हैं। तो हम ये रट लेते हैं कि दिल्ली का है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट हम देखते हैं गोवा। गोवा का सीएम है मनोहर पर्रिकर। गोवा का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में एक ऐसा फीलिंग आते हैं जो हम कहीं पे घूमने गए हैं और घूमने जाने के बाद वहाँ पे हम अगर दोस्तों के साथ जाते हैं तो बहुत सारे पार्टी होता है। तो गोवा मतलब पार्टी कर से पारिकर। तो गोवा का सीएम हुआ मनोहर पर्रिकर। ऐसे आप ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट गुजरात। गुजरात का सीएम है श्री विजय भाई आर रूपानी। गुजरात को अगर हम तोड़े वार्ड को तो वहाँ पे गुजर नाम का एक वार्ड आता है। गुजर का मतलब होता है पार करना या कोई काम कर देना, मतलब किसी काम का आगे जाना। तो अगर हम डर के आगे जाते हैं तो डर के आगे क्या होता है? जीत होता है, और जीत मीन्स विजय। तो गुजरात से गुजर, गुजर से जीत, जीत से विजय, तो विजय भाई आर रूपानी। ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हरियाणा। हरियाणा का सीएम है श्री मनोहर लाल। हरियाणा से आपको एक वर्ड हरियाली याद रखना है। अगर किसी भी जगह पे हरियाली ही हरियाली होगा तो वो जगह तो बहुत मनोरम होगा ना।
बहुत मनोहर जगह होगा। तो हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल, तो हरियाणा से हरियाली, हरियाली से मनोहर, मनोहर से मनोहर लाल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, जिसका सीएम है श्री जयराम ठाकुर। एक छोटी सी कहानी है, अगर किसी आदमी का दोनों हाथ बर्फ से मतलब हिम से बहुत दिनों से ढक दिया जाएगा तो वो दोनों हाथ ही कोई काम का ही नहीं रहेगा, और दोनों हाथ अगर काम का ही नहीं रहेगा तो हमको एक फिल्म का याद आ जाता है, वो है शोले। शोले में किसका दोनों हाथ नहीं था, वो था ठाकुर, तो यहाँ से हमको ठाकुर याद आ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का श्री जयराम ठाकुर। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे अब प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है। क्यों हो चुका है ये हम आपको बताएंगे। यहाँ का जो सीएम था महबूबा मुफ्ती, वो कुछ दिन पहले रिज़ाइन कर चुके हैं जो पीडीपी से था। तो प्रेजेंटली देयर इज नो सीएम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। सो नेक्स्ट झारखंड, जिसका सीएम है श्री रघुवर दास। अब ध्यान से सुनिए, झारखंड में हमको झाड़ वार्ड आ जाता है, झाड़ से झाड़फूक होता है। जब कोई गुनी झाड़फूक करता है तो उसके चारों ओर उसके दास फैले हुए होते हैं। मतलब अगर कोई गुनी किसी का झाड़फूक कर रहा होता तो उसको चारों ओर से उसका दास ने घिर रखा होता, तो झारखंड में दास मतलब रघुवर दास। नेक्स्ट कर्नाटक, जिसका सीएम है एचडी कुमारस्वामी। कर्नाटक में हमको दो वर्ड दिख रहा है, कर नाटक मतलब नाटक करने के लिए बोल रहा है, तो नाटक कौन करता है। अगर कोई कुमार को स्वामी का रोल दिया जाता है तो मतलब कुमार मतलब एक छोटा सा नन्ना सा बालक को एक स्वामी का रोल दिया जाता है तो वो तो नाटक ही करेगा ना, तो कर्नाटक का बन गया कुमार स्वामी। नेक्स्ट केरला, जिसका प्रेजेंट सीएम है श्री पिनाराई विजयन। केरला नाम सुन के ही हमको करेला का याद आ जाता है, तो करेला सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो केरला नाम सुनते ही मुझे जैसे पीन जैसा चुगने लगता है, तो केरला से पीन आ जाता है, और केरला का सीएम का नाम है पिनाराई, तो केरला का सीएम है पिनाराई विजयन, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। मध्य प्रदेश, जिसका सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में एक टर्म है मध्य मतलब बीच में। एक बात बताइए, शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वो दोनों नेत्र के ठीक बीच में ही होता है, तो बीच में हमको ये टर्म शिव जी का तीसरा नेत्र को याद दिलाएगा, तो मध्य प्रदेश से हो गया शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट महाराष्ट्र, जिसका सीएम है श्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में आपको क्या नज़र आ रहा है, जो राष्ट्र का महान होता है उसे महाराष्ट्र बोला जाता है। पुराण माने तो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है स्वर्गराज्य, जिसका राजा है देवराज इंद्र, तो महाराष्ट्र का राजा है देवराज इंद्र मतलब देवेंद्र। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो सीएम है वो श्री देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट मणिपुर, जिसका सीएम है नंगथोम्बम बीरेन सिंह। मणिपुर में आपको मणि का वर्ड नज़र आ रहा है ना, मणि मतलब नागमाता के मणि। एक बात बताइए, अगर किसी को नागमाता की मणि का तलाश है तो वो तो हर जगह पे तो नहीं मिलेगा ना, किसी वीरानी जगह पर ही मिलेगा, मतलब जिधर लोगों का आना जाना बहुत ही कम होता है ऐसी जगह पर मिलेगा। तो अगर नागमणि चाहिए तो किसी वीरानी जगह पे जाना पड़ेगा।
तो मणिपुर का सीएम है एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट मेघालय, जिसका सीएम है कनराड सगमा। मेघालय को हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं घायल, तो मैं घायल कैसे हुआ? हम अंधेरे में जा रहे थे, कोई पीछे से आके हमको रड से मार दिया और मैं घायल हो गया। कौन मारा ये तो मुझको दिखाई नहीं दिया अंधेरे में, तो मैं घायल हुआ, कौन रड से मारा पता नहीं चला। इस तरह से मेघालय को हम कनराड, ये टर्म मेघालय से ला सकते हैं, इसलिए मेघालय का सीएम है कनराड सगमा। नेक्स्ट मिजोरम, जिसका सीएम है श्री लाल थनवाला। मिजोरम का पीछे वाला टर्म देखिए, राम, राम तो देवदा का भी नाम होता है और दारू का भी नाम होता है। तो हम राम अगर दारू से ही सोचे तो राम का कलर क्या होता है? वो तो लाल होता है ना। तो मिजोरम का राम से हम लाल टर्म ला सकते हैं। तो इस तरह से मिजोरम का सीएम हो जाएगा श्री लाल थनवाला, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करना मत भूलिए दोस्तों के साथ। नागालैंड, जिसका सीएम है नेफ्यू रियो। एक बात बताइए, नागालैंड का जो लास्ट वाला टर्म है लैंड, ये तो एक इंग्लिश टर्म है ना? तो इसका जो सीएम होगा उसका नाम कोई इंग्लैंड की लोगों की तरह होगा। आप लोग बताइए कि नेफ्यू रियो ये जो नाम है, ये क्या इंडियन लोगों के नाम की तरह है? ये तो इंग्लैंड की लोगों का तरह हो गया ना। तो नागालैंड का सीएम है नेफ्यू रियो। नेक्स्ट हम देखते हैं उड़ीसा, उड़ीसा का सीएम है श्री नवीन पटनायक। एक बात बताइए, उड़ीसा से आपको क्या उड़ने का कोई ऐसा फीलिंग आ रहा है कि उड़ना, उड़ीसा से हम उड़ने का फीलिंग ला सकते हैं? कौन उड़ता है? जब कोई नए नए स्टार बनता है, मतलब नायक बनता है, वो तो बहुत उड़ता है ना। तो नए नायक को हम क्या बोलेंगे? नवीन नायक। इस तरह से उड़ीसा का सीएम बन गया नवीन पटनायक। नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब, जिसका सीएम है श्री अमरिंदर सिंह। एक बात बताइए, पंजाब का जो लास्ट टर्म है ना जेएबी, जब, तो जब का इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है? नकरी। आज के ज़माने में नकरी पाना कोई आसान काम नहीं होता, लोग नकरी के लिए दर दर में भटक रहे हैं। तो नकरी के लिए क्या कर रहे हैं? दर दर में भटक रहे हैं। तो पंजाब से हमको जब मतलब नकरी का याद आ गया और दर से अमरिंदर, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट राजस्थान, जिसका सीएम है वसुंधरा राजे। एक बात बताइए, राजस्थान का मतलब क्या होता है? जो राजाओं का स्थान होता है, मतलब जहाँ पे बहुत सारा राजा रह चुके हैं, ऐसा कोई स्थान हमको फीलिंग में आ रहा है। आप लोगों को आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ का जो सीएम होगा वो भी कोई राजा ही होगा, मतलब राजे के खानदान से ही होगा, मतलब इसका नाम पे ही अगर राजा हुआ तो हमको और कोई बात ही नहीं है। तो वसुंधरा राजे के नाम पे ही राजे है, तो हमको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि राजस्थान का सीएम है वसुंधरा राजे। नेक्स्ट सिक्किम, जिसका सीएम है श्री पवन कुमार चामलिंग। सिक्किम से हम सिक्का का याद कर सकते हैं, सिक्का मतलब पैसा। तो सिक्का को अगर हम कोई लाइट के कांटेक्ट में लाए तो वो तो चमकता ही रहेगा ना, चमकने से हमको चामलिंग का जो याद है वो याद हो जाएगा, मतलब सिक्किम से सिक्का, सिक्का से चामलिंग। तो सिक्किम का जो सीएम है वो पवन कुमार चामलिंग, ओके, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट तमिलनाडु, जिसका सीएम है एडप्पडी के पलनीसामी। तमिलनाडु के बीच में एक टर्म आ रहा है मिलना, मतलब मीट करना किसी के साथ। हम सारे लोगों का ख्वाब होता है कि हमारे सपने के स्टार के साथ अगर एक पल के लिए मिल सकते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। जैसे अगर कि मैं सचिन पाजी से साथ एक बार भी मिल पाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, मतलब मिलना से पल, एक पल। तो पलनीसामी, तमिलनाडु का सीएम होगा पलनीसामी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट तेलंगाना, जिसका सीएम है श्री चंद्रशेखर राव। तेलंगाना से हमको तेल लगाने का ऐसा फीलिंग हो रहा है,
तेल कब लगाते हैं? जब हमारे शरीर पे कोई दर्द होता है, तो दर्द के वक्त हम जो तेल लगवाते हैं वो तो खरा तेल ही होता है ना। मतलब जब मैं तेल लगाता हूँ तो खरा तेल लगाता हूँ, मतलब तेल लगाने से खरा और खरा से चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर का खर और तेलंगाना से तेल लगाना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, त्रिपुरा जिसका सीएम है बिप्लब कुमार देव, ये जो शख्सियत है ना, ये कुछ दिन पहले बहुत ही चर्चे में रहा करते थे। अब बताइए, त्रिपुरा से हमको त्रिनेत्र वाला जो भगवान होता है उनका याद आ रहा है, तो त्रिपुरा से हम देवताओं का याद कर सकते हैं, तो त्रिपुरा से देव मतलब बिप्लव कुमार देव, ऐसे तो आप बहुत आसानी से ये याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए। नेक्स्ट, यदि आपको वीडियो और भी चाहिए होगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। उत्तर प्रदेश जिसका सीएम है योगी आदित्यनाथ, ये जो शख्सियत है ये भी बहुत पहले बहुत ही चर्चे में रहा करते थे, तो इसे याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक मैं बताऊंगा। सोचिए, उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में कौन सा लोग रहते हैं जो योगी टाइप का है ना, मतलब जो साधना करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, ऐसे वाला लोग रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश से हमको योगी आदित्यनाथ का याद हो जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड जिसका सीएम है त्रिवेंद्र सिंह, एक बात बताइए, त्रिवेंद्र में हमको अगर त्रिनेत्र वाला देवता याद होगा तो हम क्या बोले थे, त्रिनेत्र वाला सबसे बड़ा भगवान होता है शिव जी। तो शिव जी का जब गुस्सा आ जाता है तो इस पृथ्वी का खंड खंड कर देता है, तो उत्तराखंड से खंड, जब खंड कौन करता है, खंड करता है भगवान शिव, तो शिव से हमको याद हो जाएगा त्रिवेंद्र, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल जिसका सीएम है ममता बनर्जी, एक बात बताइए, वेस्ट बंगाल को तो हम पश्चिम बंगाल से भी जानते हैं, तो पश्चिम बंगाल का जो लास्ट वाला टर्म है गाल, गाल में हम लोग का कौन हाथ फिराता है? हमारी माँ जो ममता से हमारे गालों पे हाथ फिराती होगी, ऐसा तो सबके साथ हुआ होगा, तो पश्चिम बंगाल का गाल से हमको ममता की याद आ जाती है, तो ममता से ममता बनर्जी, मतलब पश्चिम बंगाल का जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, एक राज्य का नाम हमने छोड़ दिया था जो था अरुणाचल प्रदेश, तो उसको हम अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का क्या है। अरुणाचल प्रदेश का जो सीएम है वो है प्रेमा खंडू, एक बात बताइए, अरुणाचल में हमको क्या लग रहा है कि अरुण का आंचल, मतलब अरुण को किसी ने आंचल से ढाक दिया है, और उनको कौन आंचल से ढाकेगा, उसका मम्मी ही ढाकेगा, तो मम्मी कैसे ढाकेगा, जब मम्मी उसको प्यार करेगा प्रेम करेगा तब तो उसको आंचल से अपना आंचल से ढाक देगी ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अरुण का माँ उसको प्रेम से आंचल में ढाक दिया है, तो अरुण आंचल से अरुणाचल, अरुणाचल से हमको प्रेमा, मतलब प्रेमा खंडू, ऐसे आप याद रख सकते हैं।